नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाम्पू केजेड शैम्पू का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को कैसे लगाना चाहिए और ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू एक एंटी फंगल दवा है। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू का उपयोग सिर की त्वचा में डैंड्रफ को ठीक करने के लिए और डैंड्रफ को होने से रोकने के लिए ज़ाम्पू केजेड शैम्पू का उपयोग किया जाता है। डैंड्रफ की समस्या होने पर सिर की त्वचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी उतरने लगती है और डैंड्रफ की वजह से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इसके अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर भी ज़ाम्पू केजेड शैम्पू का उपयोग किया जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ का ही एक गंभीर रूप है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने पर त्वचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से गिरने लगती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को लगाने से पहले आपको अपने बालों और सिर की त्वचा को पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को लेकर सिर की त्वचा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और हल्के हाथ से मसाज करनी चाहिए। और ज़ाम्पू केजेड शैम्पू के झाग बनने के बाद ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक सिर में लगाकर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए डॉक्टर शुरुआत में पहले 4 सप्ताह तक ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को सप्ताह में 2 बार लगाने की सलाह दे सकते हैं और 4 सप्ताह तक लगातार लगाने की सलाह दे सकते हैं। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को बंद करने के बाद डैंड्रफ की समस्या दोबारा हो सकती है, इसलिए डैंड्रफ की समस्या को दोबारा से होने से रोकने के लिए डॉक्टर 4 सप्ताह बाद ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को महीने में 1 बार लगाने की सलाह दे सकते हैं। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की डोज, उम्र व बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बालों में सूखापन होना, बालों का पतला होना, बालों की चमक कम होना या बालों का रंग फीका पड़ना, बालों का गिरना, त्वचा में जलन होना, त्वचा में खुजली होना और त्वचा में लालपन होना आदि साइड इफेक्ट्स ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की वजह से हो सकते हैं। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की वजह से ये साइड इफेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल 2% से भी कम व्यक्तियों में इन साइड इफेक्ट्स को नोटिस किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को लगाने के बाद सिर में बहुत ज्यादा जलन, खुजली, त्वचा का लाल होना, सिर की त्वचा पर रैशेस होना, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन होती है या ऐसा कोई लक्षण लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण ज़ाम्पू केजेड शैम्पू की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने पर हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हुई है या आपके सिर में कोई घाव है तो आपको ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को नहीं लगाना चाहिए। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को केवल सिर की त्वचा पर ही लगाना रेकमेंडेड है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को लगाना रेकमेंडेड नहीं है। ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। यदि गलती से ज़ाम्पू केजेड शैम्पू आंख, नाक या मुंह में चला जाता है तो आपको ज़ाम्पू केजेड शैम्पू को तुरंत ही पानी से धो लेना चाहिए। बालों में ज्यादा केमिकल से भरपूर हेयर कलर का इस्तेमाल करने की वजह से भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है, इसलिए ज्यादा केमिकल से युक्त हेयर कलर का उपयोग न करें। बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाने की वजह से और बालों में बहुत ही कम तेल लगाने की वजह से और बालों की नियमित रूप से सफाई न करने की वजह से सिर में डैंड्रफ होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसलिए आपको बालों की नियमित रूप से सफाई
करनी चाहिए। वैसे जाम्पू केजेड शैम्पू प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी जाम्पू केजेड शैम्पू को लगाना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जाम्पू केजेड शैम्पू को लगाने की सलाह दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जाम्पू केजेड शैम्पू या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को जाम्पू केजेड शैम्पू को नहीं लगाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जाम्पू केजेड शैम्पू से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।